motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm hopping with the D.R.E. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अर्पित फिर से आपका स्वागत करता हूं अर्पित दिस में। तो आज मैं आपको बताऊंगा WR3D जो इसका 2K19 मोड है उसके बारे में। तो ये देख सकते हैं हमने चालू कर लिया है एंड इसकी लोडिंग स्क्रीन ये है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इस मोड में क्या क्या है। इसके साथ आपको सिखाऊंगा कि डाउनलोड कैसे करना है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड किस टॉपिक पर आप देखना चाहेंगे अगला वीडियो WR3D मोड्स में तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये है इसकी जो ओपनिंग स्क्रीन है वो वर्जन 1.64 है यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। पहले से लोडिंग हो जाने दीजिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमें डीनेब्रो सेथ्रोलिन्स एंड रोमन रेंस का जो है सबसे पहले पिक दिख जाता है। रेसलिंग रेवोल्यूशन 2019 ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो न्यू स्टाइल्स के मेन्यूज है। यूनिवर्स आपको खुला हुआ मिल जाएगा। ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर न्यू स्टाइल के हैं। अब जाते हैं हम डिस्प्ले में तो कास्ट लिमिट आप देख सकते हैं 100 कैरेक्टर्स यानी कितने रेसलर्स रख सकते हैं आप। तो बहुत शानदार है पर आपके मोबाइल का प्रोसेसर बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके साथ रैम यानी कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोबाइल होना चाहिए वरना 100 कैरेक्टर्स में अटक सकता है। आइटम्स लिमिट इसमें 50 आइटम है जो कि बहुत अच्छी है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्स में जाके एडिट रोस्टर्स में। तो रोस्टर्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं स्मैकडाउन लाइव रो, यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग, RNH, रॉयज वॉर, किंग ऑफ स्पोर्ट्स, न्यू जापान प्रो रेसलिंग हॉल ऑफ फेम एंड NXT 205 एंड फ्री एजेंट। तो आप जाते हैं जैसे हम रो में तो यहाँ पर बनाए हुए हैं इन्होंने फिन बेलर जो भी रो का रोस्टर से मतलब रोस्टर्स जो है रियल बनाए हुए हैं उस टाइम पे होंगे जो अभी भी मेरे ख्याल से यही है। वैसे मैंने बहुत दिनों से WWE नहीं देखी है इसलिए मुझे पता नहीं है। अब देखते हैं जैसे हम किसी भी रेसलर को यहाँ से पिक कर लेते हैं जैसे कि ब्रे वाइट हो गया यानी कि इन्होंने रेसलर भी यहाँ पर आपको बना के दिए हुए हैं। तो अब हम खोल लेते हैं ब्रे वाइट को। अब देखिए प्रोफाइल में यहाँ पर आप इसमें हाइट पूरी देख सकते हैं कितनी हो सकती है। मैं बढ़ाता जाता हूँ आप देख लीजिए हाइट का बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें सिस्टम। देखिए हाइट बढ़ती जा रही है और ये हो गई है पूरी 15 फीट हाइट यानी कि ये हाइट का जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। एक साथ बात करें गेस्चर्स की तो गेस्चर 110 जो कि नॉर्मल आते हैं वो है। कॉस्ट्यूम में जाएंगे तो बॉडी और शर्ट्स में आप देख सकते हैं 86 टाइप की आपको शर्ट्स मिल जाएगी एंड 120 तरह की आपको पैंट्स मिल जाएगी नीचे की। लेफ्ट शोल्डर यानी कि फ्लैश मिल जाएंगे 13 तरीके के। शोल्डर्स मिल जाएंगे 50 तरीके के आपको यहाँ पर और ग्लव मिल जाएंगे 10 तरीके के एंड हैंड टाइप आप 3 रख सकते हैं क्योंकि ग्लव्स के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। ये तो खैर आपको आता ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मूव्स की तो मूव्स भी वही है शायद उनका जो गेस्चर्स हो सकते हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। मूव्स को थोड़ा और अच्छा बना दिया हो लेकिन मूव्स वही हैं आप देख सकते हैं एक्सपेक्टर। और मैंने ये मोड अभी डाउनलोड किया है तो सॉरी अगर मैं कोई चीज़ आपको गलत बता देता हूँ। तो वैसे मैंने चेक कर लिया है पर अगर कोई आपको नई चीज़ इसमें दिख जाती है देन आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मुझे भी अभी इतनी अच्छी तरीके से याद नहीं है। मैं ये मोड नहीं खेल रहा था अभी डाउनलोड किया है। अब बात करते हैं एंट्रेंस की तो प्रोप में आपको मिल जाएगा इंटर टाइटल, टैग टाइटल, माइक्रोफोन, बेसबॉल बैट, चेयर, बेल, केन, पाइप, प्लैंक, नाइट स्टिक, ट्रॉफी, ब्रास नक्स, ब्रीफकेस, ब्रूम, डंबल, हैमर, वुडन बोर्ड, केज पीस, कैमरा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। थेम बहुत अच्छे हैं 100 टाइप्स के इसमें थेम सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे जिसके आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पर आपको एक जॉन सीना का फ़ोटो भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या एरिनाज हैं। जैसे तो मैं एग्जीबिशन में जाता हूँ एरिना में जाता हूँ तो पहला है हमारे पास ग्लोराबंग, कार्नो, रेसलमेनिया 13, स्मैकडाउन लाइव, रॉयज वॉर, NJPW, रिंग ऑफ ऑनर, इम्पैक्ट, रॉ, लाइव इवेंट, CZW। उसके साथ हमारे पास ECW, 205, लेटेस्ट रॉयल रंबल, रेसलमेनिया 31, 32 एंड 33। तीनों के एरिना से 34 का भी है, बैकलैश, बैटल ग्राउंड्स, क्लैश ऑफ चैंपियंस, एलिमिनेशन चैम्बर, एक्सट्रीम रूल्स, फर्स्ट लैन, ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर, हेल इन अ सेल, मनी इन द बैंक, नो मर्सी, पे बैक, रॉयल रंबल, समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज, TLC एंड जिम, ऑफिस, लोकर रूम जो कि हमारे पास होता ही है। यहाँ पर आप नीचे से जो अटेंडेंस यानी कि ऑडियंस है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। डेकोर में आपको वही कॉन्क्रीट वाल पेपर, आउटडोर बीच, तो जैसे हम चलाते हैं। एंड इसकी सबसे अच्छी बात कि इस मोड में कॉमेंट्री भी है। जी हाँ कॉमेंट्री है
तो हम प्ले कर देते हैं। फर्नीचर साहब ने देख ही लिए थे, 50 रख सकते हैं पूरी हम आइटम लिमिट्स में जाके। कमेंट्री है यहाँ पर और अभी आप देख लीजिएगा किस तरीके से क्या है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देख सकते हैं ये कमेंट्री हो रही है। अगर आपको हल्की सी आवाज़ आ रही हो तो मैंने आवाज़ कम कर रखी है, मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, आप सुन लीजिए। तो अब आपने सुनी ली होगी, देख सकते हैं बटन्स किस तरीके के हैं, बहुत सुंदर बटन्स बनाए गए हैं यहाँ पर। थोड़ी सी क्राउड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की क्राउड है रेसलिंग रेवोल्यूशन की। और ये जो हमने भी चीज़ ली थी, चल भी स्मूथ रहा है। तो इस तरीके का ये मोड है दोस्तों, यानी कि मोड तो ये बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि इस मोड को जो है डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करना जस्ट वेरी सिंपल है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस मोड को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोड बहुत अच्छा है, खेलिए एंजॉय कीजिए। एंड आपको अगर किसी टॉपिक पे WR3DK पे वीडियो चाहिए नेक्स्ट तो मुझे बताइएगा। अगर APK एडिटर से मोड नहीं बन रहा है तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है मेरे पास, तो आप बता सकते हैं। तो अभी के लिए अर्पित दिस पर इतना ही, हंसते रहिए, खुश रहिए एंड देखते रहिए अर्पित दिस। मोड कैसा लगा बताइए कमेंट्स में एंड आपके प्यारे प्यारे थॉट्स भी आप बता सकते हैं कमेंट्स में। किसी भी टॉपिक पे कोई भी WR3D या और भी चीज़ों से रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अभी के लिए अर्पित दिस पर इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अर्पित दिस। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.